ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत राज विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के एकीकरण के विरोध में पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों ने अपना अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिसके चलते परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण, राशन कार्ड से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह बाधित हो गए हैं। जनपद पौड़ी के कोर्ट ब्लॉक के कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। यहाँ पर कर्मचारी द्वारा BDO के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजकर उनकी समस्या का समाधान करने की मांग उठाई गई है। हड़ताली कर्मी विजय कपरान ने कहा कि शासन द्वारा जिस तरह से पंचायत राज विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के एकीकरण की बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर एकीकरण करना है तो दोनों विभागों का ही एकीकरण ही शासन को कर देना चाहिए। अगर दोनों विभागों का एकीकरण नहीं किया जाता तो पहले की भांति जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहना चाहिए। पौड़ी से मुकेश की रिपोर्ट। जनवरी 2023 को आदरणीय अपर सचिव महोदय द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया, जिसमें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और विकास अधिकारियों की जिम्मेदारियों का विलय किया गया है। तो हमारी मांगे ये हैं कि अगर आपको विलय करना है तो पूर्णतः दोनों विभागों का विलय किया जाए, या फिर जो पहले की भांति चल रहा था उसी तरीके से व्यवस्थाएं चलने दीजिए। पंचायत अधिकारियों की 2 दिन से हड़ताल चल रही है, जिसमें जो है कि ग्राम विकास खंड में ग्रामवासियों को बहुत ही दिक्कतें आ रही है, जनता परेशान है। इसमें जो है कि अपने जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो भी समस्या है, अपने जो यहाँ पे कागज बनते हैं ब्लॉक के द्वारा, वहाँ पे नहीं बन पा रहे, ये सब वादित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में जो है, एक तो वृद्धावस्था पेंशन हुई, ठीक है, और अन्य विकास कार्य जैसे कि प्रधान ग्राम पंचायत करवाते हैं, इनके ज्वाइंट अकाउंट हैं और इनका जो डोंगल लगता है, ये सारे काम हमारे बंद हो चुके हैं और इससे जो है क्षेत्रीय जनता को भी परेशानी हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं, ना वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शासन से कोई आदेश भी पारित नहीं हुए हैं, और जैसे होंगे तो उस हिसाब से हम उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे।